नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की बिसात सज चुकी है। समाजवादी पार्टी के धुरंधर अखिलेश यादव ने करहर सीट पर अपने सियासी भरत तेज प्रताप यादव को उतारा है। करहर जो कि सपा का गढ़ मानी जाती है, यहाँ की सियासत में जातिगत गणित की अहमियत किसी से भी छिपी नहीं है। अखिलेश ने 2022 में इस सीट को अपनी कर्मभूमि बनाया था और अब अपने भतीजे पर भरोसा जता दिया है। वहीं बीजेपी ने भी इस खेल में काफी चतुराई दिखाई है। उन्होंने अनुजेश प्रताप यादव को मैदान में उतार कर एक बार फिर से पुराने फॉर्मूले पर दाव खेला है। कहावत है, बुजुर्गों के अनुभव की कीमत समझो, और बीजेपी ने सपा के खिलाफ उसी अनुभव के सामने अपने घुटने टेक दिए और एक अच्छा प्रयास किया है। करहर की राजनीति 2002 का वो करिश्मा फिर से शायद दोहराने जा रही है जब बीजेपी ने सपा के गढ़ में सेंध लगाई थी। करहर की सीट पर सपा का वर्चस्व रहा है, लेकिन जो गर्जे वो बरसे की तर्ज पर बीजेपी ने यादव प्रत्याशी उतार कर सपा को चुनौती दे दी है। तेज प्रताप यादव जो मैनपुरी के सांसद रहे थे और अब खुद को साबित करने की स्थिति में है, वहीं अनुजेश यादव का नाम भी सपा के दामाद के रूप में एक नया पैतरा साबित हो सकता है। करहल का जाति समीकरण भी अगर देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से यादव वोटर प्रमुख है, इसके बाद दलित और शाक्य समुदाय आता है। किसी की ताकत कम मत समझो की कहावत के मुताबिक अगर देखा जाए तो यादव वोटों में बिखराव हुआ तो सपा के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इस बार का मुकाबला सीधे तौर पर सेफई परिवार के बीच में है, जहां सपा और बीजेपी दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। बचकर चलो दुश्मन पास है की सोच के साथ हर पार्टी अपने वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। फिलहाल करहल में सपा बनाम बीजेपी की जंग में जो जीता वही सिकंदर का मंत्र होगा। क्या तेज प्रताप यादव सपा की नैया को पार लगाएंगे या फिर बीजेपी एक बार फिर अपनी पुरानी रणनीति से कमल खिलाने में सफल होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।